सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर आपको हम बताने वाले हैं यूपीआई इशू एट योर बैंक, यूपीआई इशू योर बैंक फोन पे। फ़ोन पे में दोस्तों यूपीआई का इशू आ रहा है आपके भी, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं, कैसे ठीक करेंगे, इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो वीडियो को एक लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों सबसे पहले करना क्या है, जो आपका दोस्तों फ़ोन पे एप्लीकेशन है उसको ओपन करना होगा, ठीक है। फ़ोन पे को ओपन करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर आना है। यहाँ पर आपको पे पी एच ओ यानी फ़ोन सर्च कर लेना है, ठीक है। अपडेट आपको एग्जिट दोस्तों मिलने ही वाला है, तो अपडेट को अपडेट करना है। अपडेट होने तक दोस्तों थ्री डॉट्स पर जाना है, इनेबल ऑटो अपडेट लगाना है। इनेबल ऑटो अपडेट का दोस्तों मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये दोस्तों आपकी अपडेट यहाँ पर वर्जन शो हो जाएगा। अगर इसको नहीं लगाओगे तो यहाँ पर ओपन ही लिखा होगा हुआ होगा, नया अपडेट आपको रिसीव नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद अपनी प्राइवेसी को दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको प्रोफाइल वाला आइकन पर आना है। जैसे ही प्रोफाइल वाला आइकन पर आता हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, लिंक रुपये क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई, ठीक है। यूपीआई सेटिंग पर आएंगे, जो भी यूपीआई बनानी है वो दोस्तों यहाँ पर आपको नई यूपीआई एक्टिव कर देनी। यहाँ पर आपके सामने दोस्तों काफ़ी सारी यूपीआई आ जाएंगी, तो यहाँ पर आपको IBL YBL है तो IBL कर देना, अगर IBL है तो AXL कर देना, ठीक है। इन यूपीआई को करोगे तो आपकी यूपीआई चेंज हो जाएगी और आपके यूपीआई का इशू इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगर ये गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम मिलते थे गाइज किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोस्तों।